इनकम टैक्स में आम आदमी को राहत मिल सकती है तो उद्योग जगत भी कॉरपोरेट टैक्स में कमी की उम्मीद लगाए बैठा है। क्या अर्थव्यवस्था की सेहत को बिगाड़े बिना सरकार राहत देने का ये जोखिम उठा पाएगी? आम आदमी के साथ उद्योग जगत भी इस बार बजट में टैक्स छूट की उम्मीद लगाए बैठा है। उद्योग संगठनों ने सरकार से मांग की है कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कमी की जाए। मौजूदा आर्थिक माहौल, कमजोर निवेश, नौकरियों में कमी, नकदी संकट के बीच जानकारों का मानना है कि सरकार को कॉरपोरेट टैक्स में कमी का फैसला करना चाहिए। कारोबारियों का भी मानना है कि नए निवेश से कारोबारी अब कतराने लगे हैं। पहले जहां निवेश की रकम 5 से 6 साल में निकल आती थी, वहीं अब इसे निकालने में लंबा वक्त लगता है। ऐसे में टैक्स में कमी करके सरकार नए उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। इंडस्ट्री के प्रस्पेक्टिव में देखें तो सरकार ने कहा था कि हम जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 25% कर देंगे और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार ये कॉरपोरेट टैक्स 25% सब कैटेगरीज के लिए कर दिया जाएगा। नंबर दूसरा, अभी जो डिमांड है बहुत सब्ड्यूड डिमांड है, फार्म सेक्टर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है इस वक्त में, तो फार्म सेक्टर को सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट किस तरीके से सरकार मुहैया कराती है वो देखने की बात है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी उद्योगपति सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को भी धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। जमी जमा इंडस्ट्रीज भी चाहती हैं कि अब कॉरपोरेट सेक्टर के जरिए मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को बजट में बड़े ऐलान करने चाहिए। जानकारों का मानना है कि उद्योग की बेहतर बढ़ोतरी के लिए अलग अलग टैक्स का मौजूदा बोझ घटाना बेहद जरूरी है। इस बार के बजट में कृषि और मध्यम वर्ग के साथ ही उद्योग जगत के लिए बड़े फैसले करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनावी साल में लोकप्रिय बजट के साथ ही संतुलित बजट को पेश करने की इस परीक्षा में सरकार कितने नंबर लाती है, ये 1 फरवरी को बजट के ऐलान के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।